खबर जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नागदा शहर के एक निजी शैक्षणिक संस्था एगोशदीप इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा UKG में गुरुवार को एक छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार छात्रा वंशिका पिता आत्मराम गहलोत उम्र 4 वर्ष निवासी आजादपुरा दोपहर 2:30 बजे स्कूल में लंच टाइम में टिफिन खाकर कक्षा में आई। इसी दौरान 2:50 पर चक्कर खाकर बेसुध हो गई और टेबल पर से जमीन पर गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय प्रबंधन तुरंत छात्रा को जनसेवा चिकित्सालय लेकर पहुंचा, जहां पर चिकित्सक ने छात्रा की ECG की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाद में छात्रा का शव शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर PM किया गया। मंडी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। बताया जा रहा है कि छात्रा ने टिफिन भी पूरा नहीं खाया था। छात्रा के पिता लेक्सेंस उद्योग में ठेका श्रमिक हैं। घटना की सूचना मिलते ही छात्रा के परिजन अस्पताल पहुंचे और विलाप करने लगे। आत्माराम की 3 बेटी हैं, जिसमें वंशिका दूसरे नंबर की बेटी थी। इधर विद्यालय संचालक योगेश शर्मा ने कहा कि छात्रा के परिजनों को विद्यालय की ओर आर्थिक सहयोग किया जाएगा। क्लास में लेटने लगी, मैडम ने कहा कि पानी डाला उस पर, ऐसा क्या हुआ, बेहोश जैसे होने लगे। वो तुरंत हाथों हाथ में 2:55 पे रेसस हुई खत्म हुई थी और 3 बजे यहाँ ले आए थे। डॉक्टर ने ECG और किया, डॉक्टर ने बताया कि उसके डेथ हो गई। तो उनके पेरेंट्स को भी लगातार कॉल लगाते रहे, उन्होंने उठाया नहीं, तो घर भेज के पेरेंट्स को भी बुलाया और लैंसेक्स में भी कॉल नहीं लग रहा था, तो उनको भी लेकर। बच्ची का नाम क्या है? वंशिता गर्ग। उम्र कितनी होगी? आत्माराम गर्ग। उम्र कितनी होगी बच्ची की? 5-6 साल। कौन सी क्लास में थी बच्ची? UKG क्लास। खाना कितने बजे खाया था उन्होंने बच्ची ने? 2:35 से 2:55 का रेसेस था, तो लगभग 2:40 2:45 के आसपास, मतलब 2:45 से 2:50 पे कंप्लीट करके और टॉयलेट जाकर के आई थी। 2:55 के अंदर आई और जब देखा बेहोश तो हाथों हाथ इधर ले गए। खाने में क्या खाया था बच्ची ने? पराठा और कुछ सब्जी थी, वो अभी भी रखा हुआ है, टिफिन रखा हुआ है। उन्होंने डॉक्टर पुलिस ने कहा तो रखा हुआ है, पुलिस भी पहुँच चुकी है। पुलिस ने हाथों हाथ तुरंत एक्शन लेके पुलिस में बर्निंग हॉस्पिटल पहुँच चुकी है। खबर समय जगत के लिए नागदा से अक्षय रावल की रिपोर्ट।